हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। बाकी आपको ये वीडियो में सीजी का वेलकम टू गटका और वेलकम टू पिकाडो की फाइट देखने को मिलने वाली है। स्क्रिम स्कॉर थोड़ा सा ओल्ड है ये, आई थिंक मैंने अपलोड नहीं किया था ये, सो आज अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आज कोई भी मैचेस नहीं हुए थे। तो देख लेना, अगर आपने देखा है तो आप मतलब वो कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, मत देखना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। चलते हैं हम सीधा मैच की तरफ। वो लेना अनिवार्य अभी है, तो देखेंगे प्लेयर्स जो है वो फाइट लेते हुए नजर आते हैं या नहीं आते हैं, वो एक सवाल एज वेल रहने वाला जरूर है। बट इनिशियल फेज के अंदर फाइट होती हुई नजर आएगी यहाँ पे गटका के अंदर, जहाँ पे SYN के प्लेयर यानी कि टीम जॉर्जियस के प्लेयर्स यहाँ पे आसानी तरीके से प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे। कार्निवल गेमिंग के प्लेयर यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए नजर डालेंगे कार्निवल गेमिंग के तरफ। ओमेगा के द्वारा वो एक एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल लिए गए हैं, तो कार्निवल गेमिंग ने काफी बेहतर स्टार्ट कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं रहने वाला है। और फिलहाल इनके सामने जो टीम रहने वाली है, टीम जॉर्जियस, क्या उनको एलिमिनेट करेंगे? हालांकि एपिक्स के प्लेयर भी रहने वाले हैं, मात्र एक एलिमिनेशन पॉइंट्स ओमेगा के द्वारा निकाले गए हैं। हेक्टर, अक्षत एंड गॉबलिन, ये सारे के सारे प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे। नजर डालेंगे गॉबलिन के तरफ एंड गॉबलिन को देखने के प्रयास। क्लोज में जाएंगे, ये कनेक्शन बनाएंगे और वहां पे पहला नॉक आता हुआ नजर आएगा इनके द्वारा। आसानी से अबे डाउन करेंगे और टोटल एक एलिमिनेशन पॉइंट्स इनके द्वारा ग्रैब करी जा चुकी है। अब चलिए अबे नजर डाल, अब आखिरी के दो प्लेयर्स बचे हैं, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश एज वेल करी जा सकती है इनके द्वारा। देखेंगे यहाँ पे एलिमिनेट कर पाते हैं नहीं। 7 से क्रिटालियसन कवर फायर, जहां पे एक प्लेयर को इनको नॉक किया गया है, बट हेक्टर ने वहां पे इंस्टेंट पिक किया और इंस्टेंट नॉक करा। एक और प्ले को डाउन करने का प्रयास करेंगे, वहां पे नॉक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हेक्टर यहां पे डाउन रहेंगे और फिलहाल यहां पर रिवाइवल इंस्टेंट करना काफी टफ सिचुएशन में। क्या कार्निवल गेमिंग यहां पे एलिमिनेट होने वाली है? हालांकि बेहतर गॉब्लिन शॉट लेते हुए नजर आएंगे और एक पीक आएगा क्लोज रेंज के अंदर। ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट बाय गॉब्लिन, इन्होंने निकाल दिए हैं। तो चलिए आप नजरें डालेंगे प्लेयर्स की तरफ, देखने की प्रयास जरूर रहेगी हमारी और आपकी भी। सो गो अहेड एंड राइट डाउन इन द चैट, कार्निवल गेमिंग टोटल एक एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल दिए ओमेगा के द्वारा। वो सात से डालने का प्रयास, तो बेहतर सात से स्प्रे की जरूरत थी, लेकिन वो स्प्रे में चूक हुई है जिसके कारण ये आप अगर आप देखेंगे तो उनको सात से नॉक करने में सफलता हासिल नहीं करेंगे। एक बार और ट्राई करने का प्रयास करेंगे, सबसे एक बार और कोशिश रहेगी। यहाँ पे कोशिश लगातार करते हुए नजर आ रहे, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा। तो चलिए नजर रखेंगे जरूर आपके चैट के ऊपर भी। सो गो अहेड एंड राइट डाउन इन द चैट, क्योंकि आपकी चैट लगातार पड़ी जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कार्निवल गेमिंग जो है वो थोड़ा बहुत शुरुआत जो है वो थोड़ा फास्ट करना चाहती है और थोड़ा बहुत और ज्यादा शॉट्स लेके प्लेयर्स को एलिमिनेट करने की प्रयास करी जा सकते हैं इनके द्वारा। तो देखेंगे, नजर रखेंगे जरूर प्लेयर्स की तरफ एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कार्निवल गेमिंग के हैकर के द्वारा चाहते वो कनेक्शन बनाने की प्रयास, वो साथ से नॉक आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए आसानी से यहाँ पे नॉक करने की कोशिश करेंगे। एक और प्लेयर सामने आएंगे, साथ से खुद के ऊपर ही मोलोटॉक कर दिया है, कनेक्शन उनके ऊपर भी बनेगा उस मोलोटॉक का। प्लेयर्स एज वेल रिमेनिंग रहने वाले जरूर है, तो कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स अब जाएंगे साइलेंटली आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार और शॉट लिया गया है, कनेक्शन बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन हेक्टर स्टिल के ऊपर सारी की सारी दावेदारी रहने वाली है, लेकिन एक रिटालिएशन स्प्रे के अंदर इन दोनों प्लेयर्स को नॉक कर दिया गया है एंड एलिमिनेट भी करेंगे। बनी 99.SP पे यहाँ पे सबसे आगे जाने की कोशिश, क्या वो शॉट का कनेक्शन बनेगा? जी नहीं, कार्तिक भी यहाँ पे एलिमिनेट होने वाले और चलिए फाइनली कार्तिक को भी एलिमिनेट करेंगे। अब कार्निवल गेमिंग के पास आ चुका है वो टोटल 4 फिनिशेस, जो कि काबिले तारीफ है। अब यहाँ पे कार्निवल गेमिंग प्रयास करेगी तो इस वाले मैच से चिकन निकाल के लेके जाए, दूर रहने वाले हैं। टोटल 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स ग्रैब करी जा रही है इनके द्वारा, 4 टीमें एंड 2 प्लेयर्स रिमेनिंग रहेंगे। शॉट लेंगे और आसानी से यहाँ पे हेक्टर के द्वारा
एलिमिनेट करे गए हैं वो प्लेयर, और चलेंगे आप एक कॉर्निवल गेमिंग की तरफ जो कि पूरी तरह से ओपन में रहने वाली है। न्योक द्वारा स्पॉट करा जाएगा, न्योक करने का प्रयास लेकिन नहीं वाला है। चलिए फिलहाल एक बार और पिक करके आगे चलने का प्रयास करेंगे, वो बेहतर लोकेशन फाइंड करना इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो शुरुआत तो काफी बेहतर कर दिया है इन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ कर पाएंगे और इंस्टेंट नॉक निकाल दिया इन्होंने, पहला नॉक। अब साथ से उस आखिरी वाले प्लेयर को एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे और चलिए फाइनली एक और एलिमिनेशन पॉइंट्स इनके द्वारा आती हुई नजर आएगी। नॉक आ ही गया था लेकिन चलिए फिलहाल यहाँ पे सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। वापस से यहाँ पे टोटल चार एलिमिनेशन पॉइंट्स, यानी कि कॉर्निवल गेमिंग पिकाडो को यहाँ पे साफ कर चुकी है। जी नहीं, अभी भी आई फ्लिक के देने का प्रयास। ओ माय गॉड, मैं सोच ही रहा था कि कब इनको स्पॉट करेंगे और फाइनली यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया। ओपन के साइड में यहाँ पे सबसे व्हीकल रोक दिए इन्होंने।